से चमकती हर एक चीज सोना नहीं होती। भाई बॉलीवुड सितारे दूर से तो काफी खुशहाल लगते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि इनका जीवन भी इतना खुशहाल ही हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बॉलीवुड की धक धक क्वीन कहलाई जाने वाली माधुरी दीक्षित को लेकर। माधुरी दीक्षित जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, हाल ही में बीते दौरान उनकी फिल्म कलंक भी काफी ही अच्छा रिस्पॉन्स तो भले इस फिल्म को नहीं मिला, मगर इस फिल्म में माधुरी ने अपनी खूबसूरती के जलवे साफ तौर पर दिखाए। ऐसे में माधुरी दीक्षित को कई बारी जो है अपने पति नैने के साथ और अपने बेटों के साथ देखा जाता है। अब ऐसे में माधुरी और उनके बच्चे के बीच का जो बर्ताव है वो कई बारी यहाँ पर नोट किया गया कि सही नहीं है। कई बारी बेटे के कारण मीडिया के सामने माधुरी को शर्मिंदा होना पड़ा, माधुरी को बेइज्जत भी होना पड़ा। हम यहाँ पर आपको वीडियो के जरिए और इस खास पेशकश में दिखाएंगे कि किस तरह से माधुरी के बच्चे जो हैं माधुरी संग किस तरह का बर्ताव करते हैं। बॉलीवुड की धक धक क्वीन कहलाई जाने वाली माधुरी दीक्षित जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, भाई माधुरी दीक्षित तो हर वक्त ही अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियां बटोरती है। अब ऐसे में माधुरी दीक्षित को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जहां पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर खिलखिलाता चेहरा खुश नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं माधुरी के अपने बच्चों के संग बर्ताव का खुलासा हुआ है। दरअसल यहां पर हम कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे जहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि बेटे उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। दरअसल आप यहां पर इस वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं कि बेटा जो है मम्मी माधुरी पर यहाँ उन्हें इग्नोर करता है और मीडिया के सामने आने से भी साफ इनकार कर देता है। इतने में यहाँ पर माधुरी भी मीडिया के सामने शर्मिंदा हो जाती है और मीडिया को उसे इग्नोर करने को कहती है, मगर नैने जो है उन्हें आवाज लगाते हैं तो बेटा एक बार फिर से आता है। कहीं ना कहीं माधुरी संग बेटे का रिश्ता यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया। वहीं अब आप दूसरे वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से माधुरी का बेटा बाहर निकलता है और वो मम्मी माधुरी पर ही चीखने लगता है और वो नाराज भी हो जाता है। तो इतने में माधुरी बैठ जाती हैं और बेटा बाहर ही खड़ा रहता है। हम यहाँ पर आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से माधुरी के साथ उनके बच्चे बर्ताव करते हैं। दरअसल बीते दौरान मुंबई में लोकसभा चुनाव 2019 का चौथा चरण पूरा हुआ, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। यहां पर बिना मेकअप माधुरी दीक्षित को देखा गया। हालांकि आपने हर वक्त ही माधुरी को मेकअप में देखा होगा, आपने हर वक्त ही माधुरी को खिलखिलाते और चमकते देखा होगा, मगर इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से माधुरी दीक्षित के चेहरे की उदासी और बिना मेकअप पूरी सच्चाई सामने आ रही है। यानी कि इनका जीवन काफी ही ज्यादा परेशानियों भरा रहता है। जहां हम चाहे उनके करियर की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें या फिर हम उनकी खूबसूरती की बात करें, सितारे खूबसूरत तभी दिखते हैं जब वो काफी मेकअप करते हैं। माधुरी को देखकर तो ऐसा ही लगा, मगर यहाँ पर माधुरी का बेटा किस तरह से उनसे बर्ताव करता है एक बार फिर से देखिए आप इन वीडियोस में।
नहीं मिल रहा। यकीनन देख ही लिया आपने कि जिस बर्ताव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बर्ताव जो है सहन करने वाला नहीं है। यहाँ पर माधुरी को नैने के साथ और अपने बेटों के साथ यहाँ पर देखा जाता है कि वो मूवी देखने जाती है, मगर यहाँ पर मीडिया जब माधुरी को रोकती है तब बेटा भाग जाता है और माधुरी जो है शर्मिंदा होकर मीडिया को कहती है कि इसे इग्नोर करो। इतना ही नहीं, एक और वीडियो आपने यहाँ पर साफ तौर पर देखी कि किस तरह से माधुरी के बच्चे जो है अक्सर ही मीडिया के कैमरे के आगे वो दिखावा नहीं कर पाते जो अक्सर ही ये सितारे करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये देखा गया कि बेटों का बर्ताव माँ माधुरी के साथ कुछ सही नहीं है। और यहाँ पर हमने आपको ये भी दिखाया कि माधुरी ने बीते दिन ही जब मुंबई में इलेक्शन हुए तब यहाँ पर मतदान किया और मतदान के दौरान माधुरी यहाँ पर बेहद ही सिंपल अंदाज में देखी गई। हालांकि बिना मेकअप यहाँ पर आपने माधुरी को देखा और जिस तरह से बच्चों का बर्ताव है कहीं ना कहीं चेहरे का दुख यहाँ बयां करता दिखा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.